नमस्कार, मैं रावण विजय, फिल्म और टीवी अभिनेता मुंबई से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं नेत्रहाट भ्रमण के दौरान एक ऐसे जगह पे लेकर के आया हूँ जिस जगह पे हम जैसे सारे युवाओं का एक सपना हुआ करता था कि काश इस विद्यालय में हम पढ़ते। जी हाँ, मैं वही विद्यालय की बात कर रहा हूँ जिसके लिए नेत्रहाट जाना जाता है, आवासीय विद्यालय नेत्रहाट, जिसकी तैयारियाँ जो है स्कूल्स में करवाई जाती थी, और अभी मैं वहीं पे हूँ। और कहते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ लिख करके जो बच्चे हैं निकलने के बाद IAS IPS या देश के बड़े बड़े अच्छे जॉब में जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ विद्यालय परिसर। तो जी ये देखिए, ये है नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। इसी विद्यालय में पढ़ने का हमारा भी कभी सपना हुआ करता था जो शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज हम नेत्रहाट भ्रमण के दौरान यहाँ पे आप पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर घर के अंदर आप जब देखेंगे, वाह, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस विद्यालय को बनाया गया है। आप देख सकते हैं अंदर अलाउड नहीं है कैंपस में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्कूल को और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं सैलानियों का काफ़ी भीड़, बहुत सारे लोग आते हैं, और इस विद्यालय को यहाँ पे एक पर्यटन स्थल में भी माना जाता है। ये देखिए, विद्यालय के आसपास में बड़े बड़े ग्राउंड हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खेलने के लिए, और इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। वाह, ये देखिए ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत, ऐसे ऐसे 6-7 ग्राउंड्स हैं। उधर जो है आपको प्राचार्य जो हैं स्कूल्स के, उनका आवास है। बहुत ही रमणीक जगह है, इस जगह से जाने का दिल नहीं कर रहा। जी हाँ, ये है आपका नेत्रहाट आवासीय विद्यालय।